दूसरी ओर भाग 18 मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। गहरी नींद में भी हमारा अवचेतन जागृत रहता है। हमारा शरीर पृथ्वी है और हमारा अवचेतन अंतरिक्ष। इन दोनों की युति ही हमारी सत्ता का स्रोत है, आधार है। अंतरिक्ष हमारे भीतर भी है और बाहर भी। हमारा अवचेतन सदा दोनों के संपर्क में रहता है। हमारा अवचेतन असाध्य सी लगने वाली समस्याओं का समाधान किसी दुर्लभ क्षण में उजागर कर देता है। वह भविष्य में होने वाली घटनाओं से सावधान करता है। कई बार सपनों के माध्यम से ऐसी सूचनाएँ आती हैं, कई बार अपने आप अकारण घबराहट सी होने लगती है और कुछ आकस्मिक घटित हो जाता है। हमारा चेतन, अचेतन, अवचेतन और हमारा मस्तिष्क, हमारा संकल्प, ये सब सामंजस्य पूर्वक एक धरातल पर काम करते हैं, तभी कोई परिणाम निष्पन्न होता है। मस्तिष्क किसी भी विचार को चित्रित कर उसका नाटकीय रूपांतरण कर देता है। कोई भी चिंतक या वक्ता अपने विषय का अंतः साक्षात्कार कर लेता है। खिलाड़ी अपना खेल अपने भीतर पहले ही खेल लेता है। इंजीनियर पुल अपने भीतर बना चुका होता है। वैज्ञानिक चांद की धरती का पूरा अंकन कर चुका होता है। लेखक अपने भीतर अपनी रचना का प्रारूप तैयार कर चुका होता है। महाभारत के सृष्टा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं पूरा महाभारत अपने मन में लिख चुका हूँ, अब कोई ऐसा व्यक्ति बतलाइए जो उसे लेखनीबद्ध कर दे। इसी प्रकार हमारा अवचेतन भीतर ही भीतर हमारे जीवन की गाथा लिखता रहता है। हम उसे निरंतर जैसा सुझाव देते हैं, वह हमारे आचरण को उसी दिशा में प्रवृत्त करता रहता है और एक दिन वैसा ही हो जाता है। हम वही हो जाते हैं जैसा हम निरंतर अपने बारे में सोचते हैं। हमारी चाल बदल जाती है, यहाँ तक कि चेहरा बदल जाता है। लोग किसी को देख कर कहते हैं, वह पहचान में नहीं आ रहा था कि वह वही है। यदि विजेता की तरह सोचेंगे तो आप में विजेता की विशेषताएं पैदा होने लगेंगी, और यदि परिस्थितियों से पराजय की भावना से खुद को भरेंगे तो दीनहीन दिखाई देने लगेंगे। हमारी अंतश्चेतना सुझावों से बहुत प्रभावित होती है। यदि आप विपरीत प्रकृति के लोगों के बीच रहते हैं जो सतत आप में दोष ही निकालते रहते हैं, कभी आपकी विशेषताओं की प्रशंसा नहीं करते, तो आप में नकारात्मकता उत्पन्न होने लगेगी। आप सोचने लगेंगे, मैं तो ऐसा ही हूँ। कहते हैं, जैसी संगत वैसी बुद्धि। लोग यह भी सलाह देते हैं, शुभ शुभ बोल। नकारात्मक सुझावों के प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए उसके विपरीत जाने का कठोर निर्णय लेना पड़ता है। स्वयं को बार बार सुझाव देना पड़ता है, मैं उस दलदल से बाहर निकल आया हूँ, मैं उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, और हमारी अंतश्चेतना वैसी ही तैयारी करने लगती है। हमें इस पर्वत की चोटी तक जाना ही होगा। इस संकल्प को सुनते ही हमारे थके, चलने में असमर्थ की गुहार लगाने वाले पांव भी जाग उठते हैं। उनमें नई ऊर्जा जागने लगती है और हम शिखर की ओर फिर चल पड़ते हैं। मदन मोहन तरुण।